नंबर वन, वर्ल्ड्स फर्स्ट लेजर बेस्ड मैन्युपुलेशन ऑफ एंटी मैटर। इस डिस्कवरी को समझने से पहले आप लोगों को इस बात को समझना होगा, जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद है और जिससे भी हम बने हैं, उसकी बनावट यानी कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सेंटर में न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये एक मैटर का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। और क्या आप लोगों को पता है कि मैटर की तरह ही एक और तरह का मैटर एग्जिस्ट करता है जिसे एंटी मैटर के नाम से जाना जाता है। और ये जो एंटी मैटर होता है ना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैटर के जस्ट अपोजिट यानी कि सेंटर में एंटी प्रोटॉन्स और उसके आसपास घूमते हुए पॉजिट्रॉन्स। मैटर के मुकाबले एंटी मैटर को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और इसीलिए 2005 में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के 11 फिजिसिस्ट की एक टीम तैयार की गई जिसे अल्फा कोलैबोरेशन का नाम दिया गया, जो कि CERN यानी कि यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। और हाल ही में अल्फा कोलैबोरेशन के द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एंटी मैटर के एक सैंपल को लेजर बेस्ड सिस्टम से कंट्रोल किया और उस सैंपल को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक कूल डाउन किया। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग विद दिस टेक्निक दे कैन एड्रेस लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मिस्ट्रीज लाइक एंटी मैटर जो है वो ग्रेविटी को कैसे रिस्पोंड करती है। नंबर टू, एडवांसमेंट इन ऑप्टिकल ट्वीजर्स टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल ट्वीजर्स टेक्नोलॉजी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि नैनो पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। इस टेक्नोलॉजी को 1986 में आर्थर अर्स्किन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, और ऑप्टिकल ट्वीजर टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी के लिए इन्हें 2018 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वैज्ञानिकों के द्वारा ऑप्टिकल ट्वीजर टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी, मेडिसिन और मटेरियल साइंस में नैनो पार्टिकल्स को असेंबल करने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिकल ट्वीजर टेक्नोलॉजीज में नैनो पार्टिकल्स को ऑप्टिकल फोर्स यानी कि लाइट की मदद से कंट्रोल किया जाता है, और हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल ट्वीजर्स टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करने के लिए इससे रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नैनो पार्टिकल्स को कंट्रोल करना। इस टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिकल फोर्स यानी कि लाइट को यूज किया जाता है, जिस वजह से नैनो पार्टिकल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाद में नैनो पार्टिकल के एटम्स के द्वारा इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के रेडिएशन की वजह से नैनो पार्टिकल में मोमेंटम क्रिएट होता है, जिस वजह से नैनो पार्टिकल्स को कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। द रिसर्चर टीम डेवलप्ड अ यूनिक मेथड टू कंट्रोल द रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज एंड ल्यूमिनेसेंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स बाय डोपिंग नैनो क्रिस्टल्स विद रेयर अर्थ मेटल आयंस। इस मेथड की मदद से रिसर्चर्स ने ऑप्टिकल ट्वीजर टेक्नोलॉजी की इफिशिएंसी को 30 टाइम्स और इंक्रीज कर दिया है, एंड दिस कुड लीड टू एडवांस इन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग मैनी डिफरेंट डिसीजेस सच एज डायबिटीज और कैंसर। नंबर थ्री, द पिक्चर ऑफ द वीक, रिविजिट द वेल नेब्यूला। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, दिस इज द मोर डिटेल्ड इमेज ऑफ वेल नेब्यूला। नेब्यूला एक स्पेस ऑब्जेक्ट है जो कि डस्ट और गैसेस के क्लाउड से मिलकर बनी होती है, और नेब्यूला किसी भी स्टार के फॉर्मेशन की शुरुआती अवस्था होती है। और वेल नेब्यूला की ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई इमेजेस में से एक सबसे पॉपुलर इमेज है, जो कि हमें ये बताती है कि कोई भी स्टार अपने बनने की शुरुआती यानी कि इनिशियल स्टेजेस में कैसा दिखाई देता है। इस इमेज की क्वालिटी और डिटेल्स को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा इस इमेज पर न्यू प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया टू ब्रिंग आउट फाइन डिटेल्स ऑफ द नेब्यूलास फिलामेंट ऑफ आयोनाइज्ड गैस, जिसकी वजह से ये इमेज पहले कुछ ऐसी दिखाई देती थी और अब कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इस नई प्रोसेस्ड इमेज में आप इस इमेज से रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल्स को देख सकते हो। नंबर फोर, साइंटिस्ट डेवलप्ड डिवाइस टू कम्युनिकेट विद प्लांट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्या आप लोगों को पता है कि प्लांट्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिलीज करते हैं।
और पिछले कई दशकों से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि प्लांट्स की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके प्लांट्स से कम्युनिकेट किया जा सकता है। और एनटीयू रिसर्च टीम के अनुसार अगर हम प्लांट से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेजर कर पाए तो हम प्लांट्स बेस्ड रोबोट बना सकते हैं और साथ ही में प्लांट्स में फूड सिक्योरिटी को भी इंक्रीज कर सकेंगे बाय डिटेक्टिंग द डिसीजेस इन क्रॉप अर्ली। एनटीयू रिसर्च टीम के द्वारा प्लांट से कम्युनिकेट करने वाले प्रोसेस और डिवाइस को ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस प्लांट से कम्युनिकेशन के टाइम पर दो ही चीजों को किया जा सकता है। पहला तो ये कि प्लांट्स को सिग्नल सेंड किया जा सकता है और दूसरा ये कि प्लांट से सिग्नल को रिसीव किया जा सकता है। और इन सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए आपको प्लांट से कुछ इलेक्ट्रोड्स को अटैच करना होगा और प्लांट से आने वाले इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मॉनिटर करना होगा। इस प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए एनटीयू की रिसर्च टीम ने एक फ्लाई ट्रैप प्लांट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड किए और उसे 1.3 सेकंड तक अपनी लीव्स को क्लोज करने के लिए सिग्नल दिया और सरप्राइजिंगली प्लांट्स ने ऐसा किया भी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये प्रोसेस प्लांट्स के लिए बिल्कुल हार्मलेस है और इस प्रोसेस से प्लांट की वर्किंग पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। नंबर 5 डिस्कवरी ऑफ लो कॉस्ट वाटर फिल्टर। हमारे आसपास मौजूदा नेचर एक अकेली ऐसी चीज है जिसके पास ज्यादातर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और सभी प्रॉब्लम्स में से आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्योर वाटर यानी कि पीने लायक पानी का मिलना। और क्या आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में 785 मिलियन लोग ऐसे है जिनको पानी तक नहीं मिलता है, चाहे वो साफ पानी हो या फिर गंदा पानी। और बाकी बचे हुए लोगों में से 884 मिलियन लोग तो ऐसे हैं जिनको पानी मिलता तो है पर वो गंदा होता है। पानी की इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हाल ही में MIT के इंजीनियर्स ने एक लो कॉस्ट वाटर फिल्टर को क्रिएट किया। इस लो कॉस्ट वाटर फिल्टर को क्रिएट करने के लिए MIT के इंजीनियर्स ने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाने वाले जाइलम का यूज किया। जाइलम प्लांट्स में एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू की तरह काम करता है जो कि प्लांट्स में पानी को ब्रांचेस तक पहुंचाता है और ट्रीज में इस जाइलम की जो पाइपलाइन होती है ना ये एक थिन मैम्ब्रेन से इंटरकनेक्टेड होती है और ये थिन मैम्ब्रेन ही जाइलम में वाटर को फिल्टर करने का काम करती है। और MIT के इंजीनियर्स ने ट्रीज की इसी नेचुरल एबिलिटी को यूज करके इस लो कॉस्ट वाटर फिल्टर को क्रिएट किया है। इस फिल्टर के क्रिएटर्स ने इस फिल्टर की एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए इसे फैब्रिकेट किया और इस फिल्टर पर लैब में किए गए टेस्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्टर के द्वारा पैथोजन सच एज ई कोलाई एंड रोटरा वायरस और बैक्टीरिया को प्योरीफाई किया जा सकता है। द रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस टू मेक जाइलम फिल्टर अवेलेबल एट लार्ज स्केल पर्टिकुलरली इन एरिया जहां पर कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एक मेजर कॉज है लोगों की डेथ का। नंबर 6 फर्स्ट टाइम डिटेक्शन ऑफ एक्सरेज फ्रॉम द यूरेनस। एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा हाल ही में किए गए डाटा एनालिसिस में पहली बार यूरेनस से आने वाली एक्सरेज को डिटेक्ट किया गया। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाला 7वें नंबर का ऐसा दूसरा जाइंट प्लेनेट है जिसके सरफेस को आइस ने कवर किया हुआ है। और वहीं एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा यूरेनस से आने वाली एक्सरेज को डिटेक्ट करना बहुत बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। एक्सरे हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और एक आइस जाइंट प्लेनेट के द्वारा एक्सरेज को प्रोड्यूस करना वाकई में बहुत बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। नासा का जो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है इसके द्वारा 2002 और 2017 में यूरेनस से आने वाले डाटा को कलेक्ट किया गया था और हाल ही में साइंटिस्ट के द्वारा इस डाटा को ऑब्जर्व किया गया जिसमें उन्होंने यूरेनस से आने वाली एक्सरेज को डिटेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यूरेनस से आने वाली एक्सरेज के पॉसिबली दो सोर्स हो सकते हैं। पहला सोर्स तो ऑरास ऑन यूरेनस और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि दूसरा सोर्स हो सकता है रिंग्स ऑफ यूरेनस। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरेनस का जो स्पेस एनवायरनमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है और इन्हीं चार्ज पार्टिकल के यूरेनस की रिंग्स से टकराने की वजह से यूरेनस से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है।